मेरा नाम जी देवीदास है, मैं इस ग्रां का रौहने वाला। साढ़े ग्रां का नाँ बैनगलाड़ है। ये जड़ी बीमारी सानू इस बारी ये पहली बारी देखने च आई है। इस बारी साढ़े जिमीदारे का इन्ना नुकसान होया कि हर जिमीदार इस वेला इन्ना परेशान है। जिसको मतलब ये पहले एक कनाल की दो बोरी इसकी उपज थी, लेकिन आज इसकी नौबत ये आधी बोरी भी नहीं निकल रही है। हाँ, तो मतलब हर जिमीदार परेशान है। ये स्टेप बोरर की इतनी प्रॉब्लम इधर बढ़ गई है हमारे एरिया में। तो हमने इसके बारे में काफ़ी दवा भी फेंकी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। तो हमारे जिमीदार मतलब कितने परसेंट तक नुकसान हुआ? तकरीबन ये 70-80 के भी ऊपर चला गया आंकड़ा। तो पहले ये आती थी? पहले ये बीमारी बिल्कुल थी, लेकिन कहीं कहीं थी, लेकिन नाम मात्र थी। लेकिन इस बार ये आप बीमारी जो पहली बार इधर ऐसा अटैक हुआ है, जिसका नुकसान 70-80% से भी ऊपर चला गया। कितने गांव आपके ख्याल से होंगे? ये हमारे इधर 10-12 गांव है जिन पर ये बीमारी का अटैक हुआ है। बैन है, गलाड़ है, बैन कैंप है, उधर गलाड़ कैंप है, पंगदौर है, रैपर है, मतलब सांबा एरिया तक। उधर का तो हमें पता नहीं, लेकिन सांबा तक इस बीमारी ने कुछ नहीं छोड़ा है। और हर जिमीदार कौन सी वैरायटी यहाँ पे लगाते हैं? इधर हम 11-21 लगवाते हैं, 370 लगवाते हैं। तो ज़्यादा नुकसान हमारा जो जिन्होंने लोगों ने 11-21 लगाई थी उसका तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पड़ा। मतलब इवन के उनका ये पूसा भी काम नहीं आया, वो भी खेतों में सड़ पड़ रहा है। तो 11-21 कब से लगा रहे हैं? ये 11-21 हम ये काफ़ी देर से, मतलब पिछले साल भी कुछ लोगों ने लगवाई थी, लेकिन इस बार उसका बड़ा नुकसान हुआ है, हद से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है।